पाए हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। गाजियाबाद से बड़ी खबर है। मसूरी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। लूटपाट करने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ट्रक और लाखों की नकदी भी बरामद की गई। तो गाजियाबाद से बड़ी खबर है जहां पर एक लूट करने वाले गिरोह को पकड़ा गया है। बड़ी सफलता मिली है पुलिस को। यहां पर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ट्रक और लाखों की नकदी भी बरामद की गई है। और गाजियाबाद से हमारे संवाददाता जावेद चौधरी हमारे साथ जुड़ गए तमाम जानकारी के साथ में। जावेद, एक गिरोह को पकड़ा है पुलिस वालों ने, उसके पास से ट्रक और नकदी भी बरामद की गई है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से मैं बता दूं कि गाजियाबाद में लूट चोर की घटनाएं लगातार बढ़ावा हो रहा था और पुलिस को कार्य प्रणाली पर सवाल निशान लगे थे, वही पुलिस को एक बड़ी सफलता भी हाथ लगी है। मसूरी पुलिस ने 3 ऐसे बदमाशों को गिरफ्तार किया है जो ईस्टर्न पेरीफेरल वो एक्सप्रेस वे पर लूट जैसी घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। 20 जुलाई की रात्रि की घटना है। 20 जुलाई की रात्रि को रुद्रपुर से गुड़गांव जा रहे एक आयसर कैंटर जिसमें 30 लाख रुपए से अधिक का माल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक का जो माल था वो भरा हुआ था। उसको जो आयसर कैंटर गाड़ी थी उसको बुलेरो सवार 3 बदमाशों ने ओवरटेक कर उसको रोक लिया और उसे ड्राइवर से यहां तक कहा कि तुमने कहीं पीछे एक्सीडेंट करके आए हो और उसे लूट की घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। हालांकि पुलिस तमाम तरह के बिंदुओं पर जांच कर रही थी। वही पुलिस ने जैसे ही पुलिस को अहम सुराग हाथ लगे, पुलिस लगातार ताबड़तोड़ ऐसी दबी से देकर ऐसे बदमाशों की तलाश में जुटी थी। पुलिस ने ऐसे 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है जो ईस्टर्न पेरीफेरल लूट की घटना को अंजाम देते हैं। इस मामले में SSP ने भी खुद जो पुलिस कर्मियों को खुलासा किया गया है उनसे 15,000 रुपए का नकद इनाम देने की घोषणा भी की गई है। वही जो तीनों गिरफ्तार किए गए अपराधी हैं वो अंतरराज्य गिरोह के अपराधी हैं जो ऐसी घटनाओं को अंजाम देकर थे। हालांकि पकड़े गए 3 आरोपियों को कब्जे से आयसर कैंटर और 30 लाख रुपए अधिक का माल भी बरामद कर लिया गया है और इनके अन्य के साथियों की तलाश भी लगातार की जा रही है क्योंकि लगातार ऐसी घटनाएं गाजियाबाद में लगातार घट रही थी। हालांकि अब ऐसे गिरोह का पकड़ा जाने में कहीं ना कहीं जो ऐसी घटनाएं घटी उनमें कमी आने की भी आशंका जताई जा सकती है। जी तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो पुलिस को गाजियाबाद में बड़ी सफलता मिली है। 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इन पर कई लूटपाट की वारदातों में अंजाम होने का मुकदमा दर्ज है।